जबलपुर लोकायुक्त पुलिस ने शासकीय आईटीआई मढ़ोताल में पदस्थ लिपिक और चपरासी को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी लिपिक का नाम प्रदीप पटेल है, जबकि त्रिलोकी नाथ यादव शासकीय आईटीआई में चपरासी के पद पर पदस्थ है। दोनों ही आरोपियों को जबलपुर लोकायुक्त पुलिस ने दीनदयाल के पास इंडियन कॉफी हाउस में रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। जबलपुर लोकायुक्त डीएसपी दिलीप झरबड़े ने बताया कि शासकीय आईटीआई में पदस्थ चपरासी किशनलाल रैदास की 7 दिसंबर 2022 को मौत हो गई थी। किशनलाल की मृत्यु के बाद परिवार वालों को जीआईएस की राशि, जो कि लगभग 1,25,000 रुपए थी, उसे निकलवाने के एवज में लेखापाल प्रदीप पटेल के द्वारा मृतक किशनलाल के बेटे शुभम रैदास से 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी जा रही। शुभम रैदास ने रिश्वत मांगे जाने की शिकायत जबलपुर लोकायुक्त एसपी से की थी। जबलपुर लोकायुक्त एसपी ने शुभम रैदास की शिकायत की जांच करवाने के बाद आज एक टीम गठित की और जैसे ही प्रदीप पटेल के कहने पर शुभम ने त्रिलोकी नाथ को रिश्वत की पहली किस्त 10,000 रुपए दी थी, तभी उन्हें रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल लोकायुक्त पुलिस की कार्यवाही अभी जारी है। जी, श्री किशनलाल रैदास जो महिला आईटीआई में कार्यरत थे, इनकी मृत्यु उपरांत इनके शासकीय देयक का निकाल होना था, शासकीय देयक मिलना था उन्हें। शासकीय देयक निकालने के लिए यहाँ पदस्थ हैं श्री प्रदीप पटेल, लेखापाल हैं ये, सहायक ग्रेड 2, और इनके द्वारा 20,000 रुपये की मांग की गई थी। आज इनके कहने पे छह आरोपी त्रिलोकी नाथ इनके द्वारा 10,000 रुपये की राशि लेते हुए